नीमच तहसील में आज मतदाता जागरूकता को लेकर कई तरह की एक्टिविटीज की जा रही थी। साथ ही आज तहसील कार्यालय में जाजू कन्या महाविद्यालय की छात्राएं तहसील कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कई तरह के चित्र पेंटिंग बनाए। साथ ही कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि मतदान जागरूकता को लेकर कई तरह की पेंटिंग यहाँ बनाई गई और जनता को जागरूक करने के लिए इन चित्रों में यह दर्शाया गया कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भी मेहंदी से शीट पर डिजाइन बनाई गई और मतदान को लेकर कई तरह के चित्र भी बनाए गए। जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, 17 नवंबर को सभी लोग मतदान करें, उसके लिए हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है मतदाता जागरूकता के अंतर्गत कर रहे हैं। और आज यहाँ तहसील कार्यालय में जो है कॉलेज के बच्चियाँ आई हुई हैं और वो यहाँ मतदाता जागरूकता के लिए जो ट्रेडिशनल पेंटिंग होती है, जो मांडना होती है, संझा के माध्यम से भी होती है, वो सारा ये लोग डिस्प्ले यहाँ कर रहे हैं। उनके प्रोफेसर साहब भी आए हुए हैं और इसके माध्यम से न केवल मतदाता जागरूकता का संदेश लोगों को जा रहा है, वरना जो हमारी जो लोकल की कलाएं हैं, संस्कृति है, उसका भी चित्रण यहाँ पे किया जा रहा है, जिसके कारण लोग जो हैं आएंगे यहाँ तहसील में। काफ़ी सारे लोग आते हैं और ये देखेंगे और जागरूक होंगे और हमारी कलाओं का भी संरक्षण होगा। सर, आंगनबाड़ी भी यहाँ पर पेंटिंग्स बना रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, लोक कलाओं के संरक्षण के लिए हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने, SDM मैडम ने काफ़ी सारे ग्रुप्स को ये उनसे काम कराने के लिए, अपनी कलाओं के प्रदर्शन के लिए यहाँ बुलाया है। और पहले भी उन्होंने जो संझा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का डिस्प्ले किया था, आज भी पेंटिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता भी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और जो हमारी कलाओं का संरक्षण है वो भी डेफिनेटली इससे अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सर। राम जाजू गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं हैं। यहाँ पर हम एक मतलब माता के थ्रू, जो उनके आर्ट हैंड्स रहते हैं उसके थ्रू, मतलब वहाँ पर वोट में क्या क्या आपको लाना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या रहता है, वो सब सिस्टमेटिक उस तरह से स्लोगन वगैरह, और उसको थोड़ा संजय के रूप से भी उसको थोड़ा बताया गया है। इसमें संजय रहती है, क्या क्या रहता है, वो ढोल वाले बने रहते हैं, वो चाँद सूरज जो भी रहता है वो उसके थ्रू उनको बताया गया है। और बस यही, हम सीताराम जाजू कॉलेज कन्याशाला नीमच से आ रहे हैं। हम मतदाता जागरूक के लिए बना रहे हैं जो पेंटिंग, 17 नवंबर के दिन हम वोट डालने के लिए इस पेंटिंग को बना जा रहे हैं। किस प्रकार जागरूकता का संदेश को लेकर ये पेंटिंग बनाई जा रही है, किस उद्देश्य से? हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि मतदाता जागरूकता के लिए पेंटिंग बना के हम बताना चाहते हैं उनको। नीमच से पवन राव शिंदे के साथ कमलेश मांगरा की रिपोर्ट।